हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। तो अभी देखिए, ग्रुप डी वालों के लिए तीन खुशखबरी है भाई, एक नहीं दो नहीं तीन है, ठीक है। और एक और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, एक और है भाई जो रह गया था बताना पोर्टल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो 18,000 के प्रमोशन के लिए है, वो बताऊँगा, नोटिस भी आया हुआ है उसके रिगार्डिंग। दूसरा, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के ज़्यादा चांसेज है जो अब लगे हैं ना, उन सभी को भी जो कॉमन कैटर वाले हैं, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा, कहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट जल्दी मिल सकता है और कहां पर चांसेज कम है, मतलब जहां पर सभी को नहीं मिल सकता। नए पदों पर भर्तियां होंगी और कट ऑफ भी कम होंगी, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। तो अगर चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर लेना, और साथ में भाई जितने भी ग्रुप डी वाले पहले वाले साथी लगे हुए हैं और अब वाले, सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है ये वीडियो, ओके। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, तो ये कल मैंने आपको ये बताई भी थी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट रिगार्डिंग फिल अप द वैकेंट पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटेशन फॉर कॉमन कैडर ग्रुप डी न्यू रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर जानकारी मांगी गई थी, लेकिन यहाँ पर स्पेशली देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, लेटेस्ट वैकेंट पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटेशन डिटेल ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कॉमन कैडर ग्रुप डी ऑन पोर्टल विद इन 48 आवर्स, ठीक है। तो ये जानकारी जल्दी से जल्दी देनी है और डिस्ट्रिक्ट वाइज देनी है, और उसका रीजन बता देता हूँ क्यों देनी है। रिक्वेस्टेड दैट द एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच पोस्ट एंड पोस्ट नोमिन कल्चर इज टू बी फील्ड। इससे पिछली बार क्या हुआ था कि जो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी नोडल ऑफिसर्स के द्वारा, तो इसलिए इस बार बोला गया है कि स्पेशली मेंशन करें कि कहां पर कितनी पोस्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम हुई थी कि कहीं पर अगर वैकेंसी बता दी ना ज़्यादा, ठीक है, वैकेंसी पहले तो बता दी 10, बाद में जब वहां पर गए तो मिली 4, ठीक है। तो इस वजह से पहले ही कहा गया है कि अपना ध्यान रखना शुरू से ही, कि कोई मिसमैच ना हो रिगार्डिंग वैकेंसीज फाउंड, द एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन कुड बी इनिशिएटेड। अब बात करते हैं इनमें से भाई, ये तो इनसे मांग ली गई, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, फिर बात करेंगे प्रमोशन की, ठीक है। प्रमोशन का बेनिफिट तो देखिए सभी को मिलने वाला है, फिर बताऊँगा प्रमोशन के बारे में, क्योंकि प्रमोशन का बेनिफिट आप अब नहीं तो बाद में भी आपको मिलने वाला है, जो नए लगेंगे फिर नई भर्तियों के बारे में बताऊँगा। देखिए भाई, यहाँ ये सारा काम किया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से, और पहले भी एक बार ये किया गया था कि वो ट्राई कर रही है जितने लोगों को हो सकता है होम डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करे। होम डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ कहाँ पर मिलना ज़्यादा आसान है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, झज्जर, यमुनानगर, गुरुग्राम, फतेहाबाद, मेवात, पलवल, यहाँ पर थोड़ा ईजिली मिल सकता है, थोड़ा क्या, ज़्यादा ईजिली मिल सकता है। 90% चांसेज है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, और इस बार जितने भी साथी नए लगे हैं भाई, सभी को ट्राई यही करेंगे ये, कि अगर आप प्रेफरेंस फिलअप करते हो तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले, ओके। तो पहली ट्राई तो यही करेंगे, अभी तो पोर्टल भी ओपन होगा, और कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा नहीं रहेगा उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, टॉप 10 डिपार्टमेंट भी आप लोगों के लिए बता रखे हैं कि कहाँ पर आप स्टडी भी कर सकते हो आगे के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। फीमेल के लिए कौन से डिपार्टमेंट सही रहेंगे, पोर्टल क्योंकि ऑन होने वाला है कुछ समय में, क्योंकि दूसरी खुशखबरी यही थी कि पोर्टल आप लोगों का, ठीक है, जब भी ओपन होगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद कहां पर मुश्किल है भाई सभी को होम डिस्ट्रिक्ट मिलना, जींद के अंदर, हिसार के अंदर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, यहां का रीजन क्या है सबसे बड़ा, कि इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा बच्चे लगे हुए हैं, यहाँ से सिलेक्शन हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, दिखा भी देता हूँ आपको, आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं, तो देखिए भाई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वन बाय वन, जो मैं आपको बता रहा था पहले ही, हिसार 1352 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जींद 1018, भिवानी 759, सिरसा 730 और कैथल 675, करनाल 675। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब जहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए तो भाई सभी को तो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल सकता है, और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट की मैं दिखा देता हूँ, आपको आइडिया रहेगा भाई, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता रहे, ठीक है। और मैं अगर इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो भाई साथ में विद फैक्ट्स मैं इसीलिए क्लियर करता हूँ कि आपको उन चीज़ों का ध्यान रहे।
अब देखिए कैथल, करनाल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, चरखी दादरी, ठीक है, शायद रोहतक वाले में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ थी। यस ओके, ये मैंने उस असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखे थे बट ये रह गया था, ये बाद में लगाया था। हाँ ठीक है भैया, चरखी दादरी, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पलवल, अम्बाड़ा, नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अदर स्टेट्स के थे, इतने लगे थे। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको आइडिया रहेगा। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कहाँ से कितने लगे हुए थे, तो आप समझ जाओगे कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेज कितने हैं। अब बात करते हैं, ये रहा भाई प्रमोशन के लिए, ठीक है, जो 18,000 कैंडिडेट लगे थे उनके लिए कि टू वर्चुअल हियरिंग होगी रिगार्डिंग प्रमोशन इन द पोस्ट ऑफ क्लर्क फ्रॉम ग्रुप डी कैडर। अब यहाँ पर एक इशू आ गया है, बता देता हूँ क्या, कि मैटर रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉइज डिस्ट्रिक्ट कैडर टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क इज करंटली अंडर कंसिडरेशन। उनको क्लर्क बनाने की तैयारी की जा रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हरियाणा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्रियल विंग ग्रुप सी के द्वारा, सर्विस रूल्स 1985 के अकॉर्डिंग। लेकिन जो यहाँ पर कौन कौन से वो है भाई क्राइटेरिया देखे जाएंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कि उनके पास क्या हो, मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट। दूसरा 5 ईयर सर्विस एज ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉई और कम्बाइन एक्सपीरियंस एज सच। तो ये दोनों चीज़ें तो हैं। उसके बाद क्या है, द ऑफिशियल्स वर्किंग एज पीएन इन द डिस्ट्रिक्ट कैडर ऑफ डिपार्टमेंट हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन। अब इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है किसके रिगार्डिंग, एंड सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशन, दे आर रिक्वेस्टिंग दैट ऑल ग्रुप डी एम्प्लॉइज एट द डिस्ट्रिक्ट कैडर, कौन कौन से भाई, पीएन, चौकीदार, एमबीपी, बीपी, WLBP, क्लीनर, टीवी अटेंडेंट, साउंड अटेंडेंट, शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर पोस्ट, जो उनके डिपार्टमेंट की नेक्स्ट हायर पोस्ट है वहाँ के लिए, कंसिडरिंग देयर नेचर ऑफ वर्क एंड ड्यूटी, एंड ओनली पीएनस शुड बी प्रमोटेड एज क्लर्क। इन सभी को तो इन्हीं के डिपार्टमेंट में या इनका जो भी हायर वर्क है उस पर प्रमोट किया जाए, और जो पीएनस है सिर्फ उन्हीं को क्लर्क बनाया जाए। तो इसी चीज़ के लिए हैज शेड्यूल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर दिस मैटर इन डिटेल एट June 2024 11:30 AM। तो ये सब कुछ किया गया है, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड दिस मीटिंग ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम, दिस लिंक फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि आप लोगों के प्रमोशन के लिए काम चल रहा है, अभी जो ऑब्जेक्शंस आए उस पर भी, और बहुत जल्द आपको ग्रुप डी वालों के प्रमोशन देखने को मिलेंगे, और इसका बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को नहीं जो 18,000 है जो आए हैं अभी नए, उनको भी मिलेगा। मतलब आपके लिए जो है रास्ता क्लियर हो रहा है, ठीक है, प्रमोशन के लिए, तो बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इससे आगे नई भर्तियों की। भाई नई भर्तियों के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो आपकी नई भर्तियों के लिए ही जो इससे पहले वाला नोटिस था उसमें भी नई भर्तियों के बारे में पूछा गया है कितनी कितनी है न्यू वैकेंसीज, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी ग्रुप डी की न्यू वैकेंसीज भी निकलेंगी, ठीक है, ग्रुप डी की न्यू वैकेंसीज भी निकलेंगी, तो आप उसके लिए रेडी रहें। अभी थोड़ा सा डाउट है, कुछ साथी मुझसे पूछेंगे सर इसी CET के बेस पर या न्यू के, तो भाई अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि सभी नए को भी मौका मिले इसलिए नया CET होना चाहिए, ठीक है, बाकी देखते क्या कुछ रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, या तो CET हो या ग्रुप डी का तो नॉर्मल एग्ज़ाम भी ले सकते क्योंकि सिंगल डे एग्ज़ाम है, और उसके बाद तो डायरेक्ट लिस्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट लिस्ट ही लगती है इसकी, एक तो ये हो ना कुछ और प्रोसीजर भी रहता हो, नहीं लिस्ट है, डॉक्यूमेंट वहीं पर कॉमन कैटर में इनके वेरीफाई हो जाते हैं, तो ये भी एक ईजी प्रोसेस हो सकती है। बाकी आपका क्या कहना है क्या नहीं, और देखिए ये सारी चीज़ों के बाद है ना आपकी कट ऑफ भी कम होने वाली है, क्योंकि इसके बाद, और कट ऑफ के रिगार्डिंग एक और चीज़ बता दूं, मैंने एक वीडियो बना रखी है और काफ़ी साथी मुझसे बार बार कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, तो हो सकता है आज मैं वो वीडियो रीपोस्ट कर दूं, रीपोस्ट समझते हो ना, हाँ, तो हो सकता है आज वो वीडियो मैं रीपोस्ट करने वाला हूँ कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।